क्या लगता है आपको हम खुद कौन है? पति, पत्नी, बेटा, बेटी, इंजीनियर, पैसेंजर, डॉक्टर या एक्टर? पत्नी के आधार पर हम पति हैं, मरीज के आधार पर डॉक्टर हैं, बेटे के आधार पर पिता हैं, ट्रेन के आधार पर पैसेंजर हैं, मां बाप के आधार पर संतान है, ड्रामा के आधार पर एक्टर है। यदि पत्नी ना हो तो आप पति कहलाएंगे? यदि मरीज ना हो तो डॉक्टर कहलाएंगे? यदि बच्चे ना हो तो पिता कहलाएंगे? यदि ट्रेन ना हो तो पैसेंजर कहलाएंगे? यदि मां बाप ना हो तो पुत्र कहलाएंगे? यदि ड्रामा ना हो तो एक्टर कहलाएंगे? ये सभी पात्र एक दूसरे पर आधारित हैं। यदि एक पात्र ना हो तो दूसरा पात्र निराधार हो जाता है, अस्तित्वहीन। और जिसका अस्तित्व ना हो वो हम कैसे हो सकते हैं? ये आधारित संबंध व्यावहारिक दृष्टि से सही है तो फिर रियल में, असल में हम खुद कौन हैं? शाश्वत रूप से हम कौन हैं? असल में हम एक शाश्वत आत्मा ही हैं, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। अनंत जन्मों से स्वयं से अनजान रहा है। भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म खुद कौन है, यही जानने के लिए है। और एक बार खुद का स्वरूप पहचान गए तो बस काम हो गया। पर आत्म स्वरूप की पहचान कौन करवा सकता है? आपके घर में सोने के गहने तो होंगे ना, उनमें सोने के साथ तांबा भी होता है ना, उसमें से शुद्ध सोना अलग करना हो तो क्या करेंगे आप? खुद घर पर कर सकते हैं? नहीं, वो तो उसके किसी जानकार सुनार के पास ले जाना पड़ता है। शुद्ध सोना किस तरह अलग करना, सुनार को उसका ज्ञान है, उसके साधन है। इसलिए वो गहनों में से शुद्ध सोना अलग कर सकता है। जैसे सोना तत्व के जानकार को सुनार कहते हैं, वैसे ही आत्म तत्व के जानकार आत्मज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञानी पुरुष आत्मा के गुण धर्म जानते हैं, अनात्मा के गुण धर्म जानते हैं। उनके पास अनुभव सिद्ध ज्ञान योग है और उसी भेद विज्ञान के आधार पर वे आत्मा और अनात्मा का भेदांकन कर देते हैं। अतः आत्मा की पहचान होती है। ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञानी की कृपा से आत्म साक्षात्कार हो सकता है। अपने घर में अंधेरा हो तब उजाला करने के लिए क्या करना चाहिए? चाहे कितने भी कीर्तन भजन करें तो भी उजाला होगा? अरे, क्या दिए के चित्र से दूसरा दिया प्रज्वलित हो सकता है? उसके लिए तो प्रकट दिया ही चाहिए ना। बस प्रकट दिए से अपना दिया लगाने की जरूरत है। प्रज्वलित दिए को हम दिया लगाएं तो फिर अंधकार रह सकता है? जैसे दीप प्रज्वलित करने के लिए प्रकट दीपक की जरूरत पड़ती है, वैसे ही आत्मदीप प्रज्वलित करने के लिए साक्षात आत्मज्ञानी की आवश्यकता होती है। इस काल में हम सबके पुण्य से, निमित्त भाव से ज्ञानी पुरुष परम पूज्य दादा भगवान तथा आत्मज्ञानी पूज्य निरुमा ने अनेक लोगों के दीप प्रज्वलित करके उन्हें मोक्ष मार्ग में अग्रसर कर दिया है। और आज भी आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई के द्वारा अपना आत्मदीपक प्रकट हो सकता है, तो क्यों विलंब करें? चलिए
हम भी अपना आत्मदीप प्रज्वलित करके मुक्ति सुख पाएं।